पंचकुला में एक जीएसपी की खुदकुशी का मामला सामने आया है। जीएसपी भगवान दास हिसार में तैनात थे। हिसार के गांव शेखपुरा में ट्रिपल मर्डर में उनके समेत 23 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। पंचकुला पुलिस ने 13 मार्च को स्केतनी में हुए एक युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंचकुला एमडीसी थाना स्थित साकेतड़ी गांव में आपसी रंजिश में हुई हत्या के मामले में पंचकुला पुलिस ने मुख्य अरमनमीत उर्फ मोंटी को उसके साथी हरमन के साथ पंजाब के समराला से गिरफ्तार कर लिया है। जो साकेतड़ी के अंदर जो मर्डर हुआ था वरिंदर नाम के लड़के का, उसमें जो नाम से दोषी है उनमें से हमने दो दोषी जो है गिरफ्तार कर लिए हैं। एक का नाम मनमीत एलिस मोंटी और दूसरे का हरमनप्रीत लड़का है, दोनों को समराला पंजाब से हमने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ये दोनों 13 मार्च को सकेतड़ी के रविंद्र सिंह की हत्या के आरोपी हैं। पुलिस हत्या के तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी और हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार भी जल्द बरामद करने का दावा कर रही है। जो अभी इनसे पूछताछ करके आगे जिस जिसके नाम आएंगे, नाम बताएंगे आगे, उनको गिरफ्तारी में बाकी भी गिरफ्तार करेंगे। करीब 10 के करीब आरोपी बताएंगे। हत्या का मुख्य आरोपी पंचकुला के भैंसा टिब्बा वार्ड संख्या 8 की पार्षद कुलजीत कौर का बेटा है। इस पूरी वारदात को पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया था। आरोपियों में एक युवक इनेलो पार्षद कुलजीत बड़ैच का बेटा भी है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, पंचकुला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में हो रही नकल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर दिखाए जाने के बाद विभाग हरकत में आ गया है। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस प्रशासन के कम होने से ऐसा हुआ है, लेकिन आगे से पूरा ध्यान रखा जाएगा। जी पंजाब हिमाचल हरियाणा पर नकल पर खबर दिखाए जाने के बाद अब परीक्षाओं में नकल पर रोक लगती दिख रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हों तो नकल पर शिकंजा कसना मुश्किल नहीं। दरअसल जब परीक्षाओं की शुरुआत हुई थी तब जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने दिखाया था कि कैसे एग्जाम सेंटर्स पर छात्र और अभिभावक नकल में मशगूल हैं और प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है, जिसकी तस्दीक खुद सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं। जी न्यूज का हम बहुत ही शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने जो है इस एस्पेक्ट को टच किया और उन्होंने रियलिटी को प्रदर्शित किया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये बिल्कुल शांतिपूर्वक परीक्षाएं हों, ऐसा माहौल जो है वो पूरा क्रिएट किया है और उसको क्रिएट करने में पूरा प्रशासन जो है बिल्कुल चुस्त दुरुस्त नज़र आ रहा है। और हमारा स्कूल मैनेजमेंट जो है वो भी, हमारे टीचर्स, उनकी हमने एडिशनल ड्यूटीज लगाई हुई हैं और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव का कहना है कि इस बार नकल रोकने में पुलिस प्रशासन का सहयोग कम मिल रहा है, लेकिन कोशिश जारी है कि नकल पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। एक्सप्लेनेशन आने के बाद उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आपको मालूम ही है, हमारे माननीय एसीए साहब ने परीक्षाओं के प्रारंभ होने से पहले एक वीसी की थी, जिसमें अंडर रूल 8 के तहत कार्रवाई के बारे में कहा गया था। तो जो उसमें स्लिप्ड पाया गया, जिसका कोई कसूर पाया गया, तो उसके खिलाफ अंडर रूल 8 में कार्रवाई होगी। आपको बताते चलें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को गुणवत्ता प्रबंधन के मामले में देश भर में ISO सर्टिफिकेशन भी मिला है, लेकिन परीक्षाओं के दौरान नकल की तस्वीरें इस पर सवाल खड़े करती हैं, जिस पर नकेल कसना बोर्ड के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, भिवानी। यमुनानगर में पहले दो युवकों की जमकर पिटाई की गई। पिटाई करने वाले शराब माफिया के गुंडों पर एक शख्स के अपहरण का भी आरोप है। यमुनानगर में शराब माफिया बेखौफ होकर सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। युवकों की बेतहाशा पिटाई का ये वीडियो देखिए। ये बयां कर रहा है कि बदमाशों के दिलों में कानून का कोई खौफ नहीं है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दोनों युवक किस तरह से चिल्ला रहे हैं, लेकिन गुंडे इन पर बिना किसी तरस के डंडे पर डंडे बरसाते जा रहे हैं। उन पर इनकी दर्द भरी चीखों का कोई असर नहीं। हर चीख के बाद दोनों तरफ से डंडों की चोट, एक के बाद एक, बार बार। युवकों की पिटाई करने वाले लोगों पर एक शख्स के अपहरण का भी आरोप है, और जिस शख्स का अपहरण हुआ है उसका भाई इंसाफ के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। वहीं अपहरण के आरोप के बाद एक और फुटेज दिखाई जा रही है, जिसमें एक गाड़ी से आए कुछ लोग तीन युवकों की अपहरण की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। अपहरण किए गए युवक के भाई का कहना है कि इन युवकों की पिटाई शराब का अवैध धंधा चलने के आरोप के चलते की गई है। साथ ही जिन तीन युवकों का अपहरण किया गया था
उनमें से दो को तो थाने में छोड़ दिया गया, लेकिन उसका भाई अभी भी लापता है। कुछ ठेकेदार है जो कि अपने अट्टे के रहने वाले हैं और उन्होंने उसके साथ मारपीट करी और उस पर इल्जाम लगाया कि तू दारू बेचता है, काम उसका मुर्गे का आएगा और दारू कहाँ से बेचेगा, और अगर बेचता भी था उसे पकड़ लिया था तो पुलिस थी ना, उसकी उसका FIR करवाते पेश करते होते हैं, लेकिन उसे मारते पीटते हुए कार में डाल के ले गए और जब से ले गए अभी तक उसका कोई पता नहीं है। तीन लड़के ठाए थे इन्होंने, वहाँ से दो यहाँ आगे थाने में पकड़ दे दिए उन्हें, उसका नहीं पता कहाँ उसे कहाँ दिया ये बता नहीं रहे। जगाधरी सदर थाने के SHO का कहना है कि मामले की शिकायत दर्ज कर ली गई है और जल्द से जल्द आरोपियों को धरा जाएगा, साथ ही युवक की तलाश भी जारी है। जिसके संबंध में शराब बेचने वाले ये थे, ये शराब बेचता है तो इस बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ है, उसके संबंध में हमें एक कंप्लेंट मिली है एक पार्टी की तरफ से भी हमारा एक आदमी इन्होंने गुम कर रखा है, ठेकेदारों ने गुम कर रखा है, तो उस संबंध में हमने एक 365 का पर्चा दर्ज कर लिया। शराब माफिया के गुंडे पहले भी मार पिटाई का वीडियो वायरल कर चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। यमुनानगर से वीना रानी, जी मीडिया। पंचकुला में एक DSP की खुदकुशी की कोशिश का मामला सामने आया है। DSP भगवान दास हिसार में तैनात था। हिसार के शेखपुरा गांव में सोमवार की दोपहर हुए ट्रिपल मर्डर में आरोपी DSP भगवान दास ने बुधवार को पंचकुला में अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी की कोशिश की। हत्या का आरोप लगने के बाद DSP को हिसार से पंचकुला ट्रांसफर कर दिया गया था। गोली लगने के बाद बुरी तरह घायल DSP को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पता चल रहा है कि हिसार में कहीं कोई मामला दर्ज हुआ था, तो अभी इस बारे में मुझे हमें कोई नॉलेज नहीं है, बाकी हम तो इधर जो है उसके ट्रीटमेंट पे भी। खुदकुशी की इस कोशिश की स्पष्ट वजह क्या है ये अब तक साफ नहीं है। पंचकुला पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी क्रिटिकल कंडीशन सर, एनीथिंग रिकवर्ड सर, कारण क्या पत्र मिला होगा, सुसाइड नोट, कारण अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी जो है मौके पे जो है दूसरी टीम गई हुई है। आपको बता दें कि होली के दिन चुनावी रंजिश को लेकर हिसार के गांव शेखपुरा में 3 लोगों की हत्या हुई थी जबकि 3 लोग घायल हुए थे। इसी मामले में हिसार के टाउन DSP भगवान दास समेत करीब 23 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, पंचकुला। पठानकोट एयरबेस के अंदर और आसपास के इलाके की कल से ही गहन तलाशी ली जा रही है। एयरबेस अथॉरिटी, आर्मी और पठानकोट पुलिस तीनों मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस और एयरबेस के जो जवान हैं, गरुड़ कमांडोज हैं, वो उनकी टुकड़ियां भी साथ में हैं और सर्च ऑपरेशन एयरबेस के अंदर और बाहर लगातार जो है वो चल रहा है। पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी जो है अभी तक विड्रॉ नहीं की है, सभी नाके जो हैं एज इट इज़ लगातार हैं, हर आने जाने वाले की जो है आप देख सकते हैं कि चेकिंग जो है वो की जा रही है। हालांकि अधिकारियों के द्वारा जो अभी तक जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सिर्फ यही जानकारी है कि कल जो इनपुट आया था उसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। होशियारपुर के केंद्रीय जेल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद कुछ अज्ञात लोगों को आपत्तिजनक वस्तुएं और नशीली दवाइयों को जेल के अंदर फेंकते देखा गया है। CCTV में वारदात कैद होने के बाद जेल प्रशासन हरकत में आ गया। हुशियारपुर सेंट्रल जेल में कैदियों तक नशीली दवा और मोबाइल पहुंचाने की कोशिश को जेल प्रशासन ने नाकाम कर दिया। पंजाब में जेलों की सुरक्षा बीती अकाली राज सरकार में अक्सर सवालों में रही है। नाभा जेल ब्रेक मामला उनमें से एक है। हालांकि हुशियारपुर सेंट्रल जेल में स्थिति थोड़ी अलग है। यहां शरारती तत्व 2 दफा नशीली दवाएं, मोबाइल और कुछ अन्य चीजें कैदियों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं, जिसे जेल प्रशासन ने हर बार नाकाम कर दिया। ताजा घटनाक्रम में केंद्रीय जेल होशियारपुर के टावर नंबर 2 और 3 के बीच 2-2 बदमाशों ने अवैध सामान से भरा पॉलिथीन दीवार के ऊपर से जेल के अंदर फेंका। अपना काम अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात जेल प्रशासन के कर्मचारियों ने ग्राउंड में गिरे सफेद रंग के लिफाफे को कब्जे में लेकर उच्च अधिकारियों को सूचना दी। लिफाफे में नशीली दवाएं, मोबाइल और कुछ अन्य सामान रखा हुआ था। कि केंद्रीय जेल हुशियारपुर के दीवार के बाहर से कुछ शरारती तत्वों ने वर्जित वस्तुएं जिसमें मोबाइल और टबैको था उसका पैकेट अंदर फेंका है
और हमारे मुलाजम ड्यूटी पे चौकन्ने थे, अलर्ट थे, उन्होंने पैकेट अपने कब्ज़े में ले लिया और इस कोशिश को नाकाम किया। जब सीसीटीवी की फुटेज को देखा गया तो उसमें साफ नज़र आ रहे थे कि दो लड़के मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने ये जेल के बाहर से फेंका इसको। इसकी सूचना हमने एडीजीपी प्रेजेंस श्री रोहित चौधरी जी को सूचना दे दी है हमने इसकी, और हम अगली कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दो दफ़ा बदमाश इस तरह की नापाक कोशिश कर चुके हैं जिसे दो बार विफल कर दिया गया है। कैमरामैन सन्नी के साथ रमन खोसला, जी मीडिया। चंडीगढ़ से डेरा बसी तक लोग पानी में बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या से बेहद परेशान हैं। दिन ब दिन बढ़ रहे प्रदूषण के चलते यहां के लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि खेतों में लगे 500 फुट गहरे बोरवेल से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। पंजाब का निर्मल जल अब जहरीला होता जा रहा है, जीवन देने वाला पानी अब मौत बांट रहा है। डेरा बसी के नजदीक इस बरसाती नाले का काला पानी लोगों के लिए काल बन रहा है। इस जहरीले पानी की समस्या से परेशान लोगों ने हाई कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट को बताया किस तरह इस पानी से लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, आने वाली पीढ़ी पर खतरा मंडरा रहा है। इदे च जी असी हाई कोर्ट केस किया जी 2011 च जी, उत्थों हाई कोर्ट ने डायरेक्शन की जी पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाने नूं। उन्होंने जो सैंपल लिया जी, ये ना तीन बड़े घातक कैमिकल पाए गए, एल्ट्राजिन, एल्ड्रीन हो गया जी, पेडलेथाइन, जिन्हें तो इंडिया 1992 बयान किया होया, तो वह कैमिकल नाल साढ़े पिंड तीन चार मौतों का कैंसर नाल हो चुकी है जी। गर्भधारण वाला तो जी मेन मतलब आम हो गया जी, बिल्कुल ही बहुत केसेस ऐसे हो गए, तो अपने पैरालाइज लोगों मतलब कि बीमारियां तो इन ज़्यादा बढ़ गई जी पानी पीने नाल, 1000 फुट तक डूंगा पानी भी मतलब पीने योग्य नहीं है जी। लोगों के मुताबिक डेरा बसी के नजदीक तीन फोकल पॉइंट हैं जहां फैक्ट्रियों का गंदा पानी इस बरसाती नाले में फेंका जा रहा है। पंजाब प्रदूषण बोर्ड के पास जाने के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। इस नाले के जहरीले पानी की वजह से जमीन के नीचे का पानी खराब हो चुका है, ट्यूबवेल का पानी अब फसलें आबाद नहीं बर्बाद कर रहा है। शिकायत बकायदा असी मौके मौके ते पोल्यूशन बोर्ड नूं, पंजाब पोल्यूशन बोर्ड कोल जांदे रहे हां असी, ते सारे अपना प्रूफ उन्होंने दे रहे हैं भी जिदा करके आ साडा ढाबी दरिया सर तुसीं मारे हो कैमरा दिखाया जिहड़ा तुसीं इच्चे सर, एक ढाबी दरिया सीगा जिवें अपना बरसाती पानी इच आंदा सीगा जी, तो उहदे विच इन्हां ने वेस्ट अपने कंपनियां ने जिहड़ा फोकल पॉइंट है उहदा हो गया, तो पांच चार कंपनी जिहड़ी नेड़े लगदियां उहदा सारा वेस्ट सारे इच डंप करना शुरू कर दिता, तो उहदे नाल साडे सारे इलाके दे ट्यूबवैल हैंड पंप तो सारे बोरवैल सर इफेक्टिव हो गए, तो पीण तक तक की सानूं पीण नौबत प्योरीफाई लाने पै गए सर अपने घर दे विच। गंदे पानी की वजह से आसपास के गांवों में बीमारियां फैल रही हैं, पीलिया, कैंसर और चमड़ी के रोगों से पीड़ित मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है। आम लोगों की मुश्किलों से संबंधित विभाग के अधिकारी कैमरे के सामने अपनी बात रखने से बचते रहे। जी मीडिया चंडीगढ़। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अपनी निष्पक्ष खबरों की वजह से आज सूबे की पहली पसंद बन चुका है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को हमेशा से ही पहली प्राथमिकता दी है। पंजाब के बड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाने की जी पंजाब हरियाणा की कोशिश की सराहना हो रही है। ग्राउंड जीरो पे हम है आनंदपुर साहिब, खबर दिखाने का यही जज्बा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल को सूबे की पहली पसंद बना चुका है। दर्शकों के प्यार और समर्थन की ताकत से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल कई मुद्दों को अंजाम तक पहुंचा चुका है। सूबे में खनन माफिया से जुड़ा मुद्दा रहा हो या फिर ड्रग्स या किसानी का मसला, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने तथ्यों के साथ खबर को पेश किया है। मैं जी पंजाब का धन्यवाद करता हूं कि चाहे वह पंजाब के भाग के मसले, चाहे वह ड्रग का मसला हो, चाहे रेत माफिया का मसला हो, और माइनिंग के मसले के अंदर
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। खबरों की भागम भाग की दौड़ में जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को पहली प्राथमिकता दी है। पंजाब हरियाणा हिमाचल का नंबर वन न्यूज चैनल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। मोबाइल कब्जे ताकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका पूरी ईमानदारी के साथ निभा सकें। पिछले दो साल से जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने उन मुद्दों को निष्पक्षता के साथ जनता के सामने रखा जिनसे जनता का सीधा सरोकार था। रविंद्र सिंह, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आज मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। कुपवाड़ा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ तब हुई जब सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर की एसओजी के साथ कुपवाड़ा के कोलारूस में एक तलाशी अभियान चला रहे थे। गांव के घर में छिपे आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी तुरंत पोजीशन ली। कई घंटे की फायरिंग के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया गया। फायरिंग में एसओजी का भी एक जवान घायल हो गया। कश्मीर में 3 दिन के भीतर ये दूसरी बड़ी मुठभेड़ है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के कई रास्ते सील कर दिए हैं। सूबे की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी से हटकर एक और शानदार पहल की है। जनता की सेवा और सुरक्षा के अलावा हरियाणा पुलिस साइकिल यात्रा के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है। ये साइकिल यात्रा हरियाणा पुलिस की एक शानदार पहल है। इस यात्रा का मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है और उन्हें ये बताना है कि बढ़ता प्रदूषण कैसे इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक हो चुका है। ये यात्रा डबवाली से यमुनानगर तक लोगों को पर्यावरण का संदेश दे रही है। सिरसा पहुंचने पर यात्रा का एसपी स्वतंत्र गुप्ता ने स्वागत किया और इसे हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जिसे डबवाली से जो शुरू हुई है और ये यमुनानगर जाके खत्म होगी। इसका मेन उद्देश्य यही है कि समाज में एकता भाईचारे का संदेश देना जो है, और साथ साथ ही जो हमारे स्वर्ण जयंती के सेलिब्रेशन है उनको करना, यही इसका उद्देश्य है। कि ये ठहरने के लिए भी, भोजन के लिए भी, सभी मामले जो है सभी बारे में जो व्यवस्था की गई है, जो संबंधित वहाँ पे पुलिस अधिकारी है उनके साथ इस बारे में टाई अप किया जा चुका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का तीसरा टेस्ट कल से रांची में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से रांची में तीसरा टेस्ट खेला जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में पहली बार टेस्ट खेला जाएगा। दोनों टीमों ने जमकर पसीना बहाया। पहला टेस्ट हारने के बाद दमदार वापसी करने वाली भारतीय टीम रांची का रन जीतकर सीरीज में बढ़त लेना चाहेगी। पिछले टेस्ट में डीआरएस को लेकर हुए विवाद पर विराट कोहली ने कहा कि अब बची हुई सीरीज खेल भावना से खेली जानी चाहिए। तो हम एज ए टीम वही प्रिपेयर करते हैं कि जो भी सिचुएशन आए उसके हिसाब से हम अपनी गेम को मोल्ड करें और उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करें, बट कोई ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक कि विकेट ऐसा बिहेव करेगा या ऐसा खेलेगा। एज आई सेड, वी नीड टू मूव ऑन एंड फोकस ऑन द गेम टुमारो एंड वी गॉट टू मोर टेस्ट मैचेस टू गो। एज आई सेड, देयर टू साइड्स ऑफ द कॉइन। आई कुड बी स्पीकिंग अबाउट अनदर अगेन एंड थिंग्स आर जस्ट नॉट गोना मूव फॉरवर्ड। सो गुलमर्ग में दिव्यांग छात्रों को स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। घाटी में स्पेशली एबल लड़कों के लिए गुलमर्ग में आयोजित स्नो स्कीइंग कोर्स का आज संपन्न हो गया। कुछ इसी अंदाज में ये लोग स्नो स्की के इस खेल को समझते हैं, अपने साथियों को बताते हैं और इस खेल का पूरा लुत्फ उठाते हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हैं, जहां विशेष रूप से सक्षम लोगों को इस खेल से जोड़ा जा रहा है। 10 दिनों के कोर्स में इन्हें इस खेल के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कोर्सेज हो और भी ऑर्गेनाइजेशन सामने आए और इसको और बढ़ावा दें। अभी फिलहाल डेफ एंड डम के लिए इन्होंने कोर्स किया है। हम चाहते हैं कि आगे और भी क्लास के बच्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल हैंडीकैप्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहां पे हम इनको आगे ला सकते हैं। और अब जाते जाते देखिए मौसम का हाल। एनसीआर में बढ़त का सिलसिला फिर से शुरू हो चला है। पंजाब के शहरों के तापमान में बढ़त दर्ज हुई है।
मौसम में बढ़ती ठंडक का असर बड़े शहरों के तापमान में साफ देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जबकि चंडीगढ़ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। गुरुग्राम और हिसार में पारा आज 27 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा। पंजाब की बात करें तो आज अमृतसर में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना और बठिंडा में 25 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड हुआ। पटियाला में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया। उधर हिमाचल के मनाली में 13 डिग्री और शिमला में 15 डिग्री सेल्सियस पारा नोट किया गया। धर्मशाला में आज अधिकतम तापमान गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पारा 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। प्रमुख पहाड़ी शहरों के तापमान में भी 3 से 5 डिग्री की बढ़त रिकॉर्ड हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया।